फ्रेंड्स, जैसे आपने मैंने बताया था आपको कम्युनिटी टाइम में कि आने वाला है बेस्ट ड्रोन जो कि बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया है, तो वो आ गया है, दैट इज़ द सेमा 26। तो इसकी अनबॉक्सिंग देखिए और फिर इसका पूरा इस वीडियो में मिलने वाला है डेमो कैसा है, जहाँ तक रिव्यूज़ पढ़े और काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज है और बिगनर्स के लिए आपके लिए अच्छा है। कैमरा इसमें नहीं है क्योंकि अगर एज ए बिगनर आपको अगर प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छा आपको ड्रोन चाहिए जिसमें आप अच्छे से आपके स्किल्स अपनी स्किल्स बना सकें, तो उस उनके लिए बहुत अच्छा है। प्राइस पॉइंट इज़ वेरी गुड और इंडिया में अवेलेबल है एंड लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाई फ्रॉम द अमेजोन एंड डेफिनेटली आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन कंपनी जो कि इस तरह के इस लेवल के ड्रोन बनाती है, सेमा 26। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बिगनर ड्रोन के बारे में बात करें अनबॉक्सिंग आने वाली, तो वो बॉक्स आ चुका है मेरे पास एंड हियर आई गॉट द ड्रोन सेमा X26। इसकी आज करेंगे अनबॉक्सिंग। क्यों ये रिकमेंडेड है? क्योंकि सीमा बहुत अच्छे ड्रोन बनाता है बिगनर ड्रोन आपके लिए और इसमें आपको मिलते हैं सेंसर्स चारों तरफ, लो स्पीड दो स्पीड पे इसके मोड आते हैं, हाई स्पीड एंड लो स्पीड। लो स्पीड पे वो सेंसर्स ऑन रहते हैं, तो उस लो स्पीड भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्लो चलेगा, काफ़ी अच्छा चलता है और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो बिगनर लेवल पे आपके स्किल इंप्रूव करने के लिए ये ड्रोन बहुत ही अच्छा है एंड आई थिंक इट इज़ द फर्स्ट अनबॉक्सिंग इन द इंडिया। तो X26 एंड प्राइस पॉइंट इज़ वेरी गुड और इसका मैंने Amazon बाय लिंक दे दिया है। और अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं ड्रोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड दिस ड्रोन अनबॉक्सिंग। इस पर पूरा वीडियो पूरा एंड जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको इसका फ्लाइट का डेमो एवरीथिंग आपको मिलेगा और आप डिसीजन ले पाएंगे कि लेना है कि नहीं। मेरी तरफ से एज ए ड्रोन टेक डॉक्टर आई रिकमेंड यू एज ए बिगिनर टेलो से भी बढ़िया आपको है, क्योंकि टेलो में आपको कैमरा मिलेगा पर कैमरा की क्वालिटी है नहीं। तो बेसिकली आपका स्किल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप छोटी जगहों से कैसे ड्रोन निकालते हैं, तो इससे जब आप वो ट्राई करेंगे तो आपको जो हाई एंड ड्रोन्स हैं वो उड़ाने में और सिनेमेटिक शॉट्स लेने में बहुत मदद मिलेगी। तो एज ए ट्रेनिंग एज ए बिगनर आपको ये ड्रोन टू लेना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेक्स, रिमोट इसके अंदर ही है। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें आपको मिलता है यूज़र मैनुअल पूरा फुल डिटेल, तो पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इसके मोड्स के बारे में पता जाएगा, काफ़ी अच्छे मोड्स हैं एंड फ्रेंड्स में आपको मिलता है रिमोट जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ड्यूरेबल एंड दीज जॉयस्टिक्स DJI के जैसे ड्रोन्स, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही चाइनीज़ जैसे आपको मतलब माल नहीं लगेगा, बहुत अच्छा है एंड दिस इज द मेन यूनिट जिसमें आपको देख सकते हैं इसके चारों तरफ सेंसर्स हैं एंड यहाँ से आपकी बैटरी डलेगी एंड चार प्रोपेलर्स, और उसके साथ ये हैं प्रोपेलर्स 4 आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और चार्जर इसमें, और बैटरी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड चेक करते हैं पावर इसमें है या नहीं। ओके, अभी बैटरी इसमें लगी नहीं हुई, ये हमने बस ये जो है यहाँ से निकाल के इन दोनों में जोड़नी है, नहीं है, आई थिंक वी हैव टू चार्ज इट। तो इसको चार्ज कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, और ये है इसका चार्जर, तो ये चार्ज कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका डेमो। तो बेसिकली आपने इसका डेमो देख लिया, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा बिगनर ड्रोन है। अगर आपने इसमें स्किल डेवलप करने हैं, आपको चाहिए कि किस तरह से आपको स्किल्स हैं इसको घुमाने का, तो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल रहा है। इसका
बाइंग लिंक मैंने दे दिया है नीचे, तो आप परचेज कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो इसका फ़ायदा आपको यही है कि आपको एक स्किल डेवलप हो जाएगा, छोटी जो जैसे आपने सिनेमेटिक शॉर्ट्स लेने तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं मैनुअली, इससे आपको पता लग जाएगा। अब इसमें खास क्या है, इसमें बेसिकली आपको चारों तरफ सेंसर्स मिलते हैं, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इसमें बेसिकली दो स्पीड मोड्स हैं, हाई स्पीड लो स्पीड। लो स्पीड पे इसके चारों तरफ सेंसर्स हैं, तो सेंसर्स वाला स्टार्टिंग में आप चलाएं, लेकिन इसका फुल मज़ा लेने के लिए किस तरह से परफॉर्म करता है वो हाई स्पीड पर है, क्योंकि हाई स्पीड पर इसके सेंसर्स तो बंद हो जाते हैं लेकिन आपका जो असली टेस्ट है वो तभी शुरू होता है। लो स्पीड पे क्या होगा, आप जब करेंगे तो आपका इस पर कंट्रोल नहीं होगा, मतलब ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं तो ये कैमरा डेड करेगा, तो उसके बाद अपने आप पीछे हो जाएगा, और आप अगर चाहेंगे भी आगे जाओ तो नहीं जा पाएंगे। तो एक लाइट वेट है, उसकी वजह से ये ऐसे झूले खाने लग जाता है, बट इन्जॉयमेंट के लिए अच्छा है लो स्पीड पर, तो कहीं टकराएगा नहीं, जहाँ भी जाएगा उसमें पहले ही वो उधर से बैक ऑफ हो जाता है, इधर जाएगा अगर मेरा ऑब्स्टेकल आता है तो वहाँ से अपने आप बैक ऑफ हो जाएगा, तो वो चीज़ करता है ये। तो उसमें आप इसका कंट्रोल, जो बेसिकली बहुत ही अच्छा कंट्रोलर आपको मिलता है इसके साथ, दिस बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का, आपको प्रीमियम फील करवाता है सी। तो ये जो है, इससे जब इसका असली मतलब लेने के लिए कंट्रोल का, आपको इसको हाई स्पीड पर डालना, हाई स्पीड पर डालना बहुत इजी है। इसकी जो राइट जो जॉयस्टिक है उसको प्रेस करें, सिंगल प्रेस करेंगे तो दो बार बीप आएगी, इसका मतलब ये हाई स्पीड पे होगा। अगर वापस इसको करना है तो फिर बार एक बार फिर से दबाइए तो फिर से लॉन्ग बीप आएगी, तो वापस उस पर आ जाएगा। तो इट्स सिंपल, इट्स लाइक वेरी सिंपल। तो हाई स्पीड पर जब करेंगे तो इसका कंट्रोल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज्ड आपको ये कंट्रोल देता है, और आपको पूरा मज़ा आने वाला है। आप जहाँ तक कि कैमरे की बात है, कैमरा अगर आपने लेना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ये बेसिकली अब तो का साइमा का बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये विदाउट कैमरा है, और एक दिन में आपकी डिलीवरी हो जाएगी, अमेजोन पे अवेलेबल है बहुत अच्छे रेट पे। एंड खास बात इसकी ये है कि काफ़ी स्टेबलाइज्ड परफॉर्मेंस ये दे रहा है, मतलब इस रेंज में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कौन सा सस्ता लें, बट ये जो है सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और विदाउट कैमरा होने की वजह से उन्होंने कैमरे को छोड़ के इसके अंदर क्वालिटी डाली है। क्योंकि बिगिनर ड्रोन में अगर कैमरा आपको मिलेगा भी तो वो किसी काम का नहीं है, तो आपको क्या चाहिए, एक अच्छा ड्रोन जिससे आपको परफॉर्मेंस मिल सके अच्छी, तो वो आप इससे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि बिगिनर गाइड में आपको क्या करना है, इसको कैलिब्रेट करना है। सबसे पहले इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद इसकी जो लेफ्ट जॉयस्टिक है दिस वन, और जो राइट है इसको उल्टा ऐसे करना है। तो इसकी जो लाइटिंग है, रेड वाला ये फ्रंट है, ग्रीन लाइटिंग बैक, मतलब इसका जो मोड्स हैं, रेड लाइट मतलब इसका फ्रंट और ग्रीन लाइट इसका बैक, तो वो बिप कर लिया, बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर ली जाती है, इसका मतलब ये कैलिब्रेट हो रहा है, और दो सेकंड में ये कैलिब्रेट हो जाता है। उसके बाद आपका कंट्रोल और स्टेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है इससे, तो आपने वीडियो खुद ही देख लिया। तो मैं रिकमेंड करूँगा एज ए ड्रोन डॉक्टर, मैं किसी मतलब खुद मैंने परचेज किया, सारा सर्च करके काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मुझे बताया जाए कि कौन सा हम बिगिनर ड्रोन लें जिसमें बेसिकली हमें ज़्यादा पैसे नहीं खर्च मिले और बहुत आपको एन्जॉयमेंट मिले, स्किल्स आपके इम्प्रूव हों। तो उस हिसाब से दिस वन इज़ वेरी गुड, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो प्लीज़ आप जाइए और ज़रूर ये लीजिए और इन्जॉय करिए, आपका बहुत ही अच्छा, आपके स्किल डेवलप होंगे ड्रोन्स के इससे, डेफिनेटली आई गारंटी यू। तो ये था इसका रिव्यू एंड पूरा डेमो मैंने आपको दिखा दिया, चला के दिखा दिया, और मेरी तरफ से फुल थम्स अप। और अगर आप नए इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस चैनल पर हम आते हैं ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक। और कोई भी क्वेश्चन इस ड्रोन से रिलेटेड आपके मन में है कि इसमें क्या आप पूछना चाह रहे हैं, क्लियर कर दो। तो ये बहुत ही बिगिनर ड्रोन है, इसमें कोई GPS नहीं है, बट इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपको बहुत अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड इसमें ऑब्स्टिकल सेंसर्स हैं फॉर वेरी बिगिनर, पर वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब आप वो चलाएंगे तो आपको इससे कंट्रोल करने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप झूलने लग जाता है उसमें, कहीं भी उसको ऑब्स्टिकल दिखेगा। और इनडोर्स के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको पता लग ही गया होगा। और हाई स्पीड मोड में खुद चलाएं, हाई स्पीड भी ऐसे नहीं कि भी बड़ा आगे तरह निकलेगा, बहुत अच्छी स्पीड चलती है, हाई स्पीड पे ही आपको इसका कंट्रोल का असली मज़ा आता है। तो होप आपको पसंद आएगा, और प्लीज़ एज ए बिगिनर आप ज़रूर बाय करें, आपको ड्रोन की स्किल इससे ज़रूर इंप्रूव होगी। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, एंड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय GarenMadam.com, और इस
साइट पे जाके आप मिलेंगे टेक रिव्यूज़, ज़रूर जाइए और विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।